सीहोर स्थित शासकीय रफी अहमद किदवई कृषि महाविद्यालय और कृषि अनुसंधान केंद्र में एबीवीपी के नेतृत्व में छात्र छात्राओं ने संस्थान के मुख्य गेट की तालाबंदी कर जमकर हंगामा किया। गुस्साए छात्र छात्राओं ने इस महाविद्यालय के डीन को हटाने और पढ़ाई में प्रोफेसरों द्वारा की जा रही लापरवाही की मांग के चलते ये आंदोलन शुरू किया है। बहुत सारी है लाइक हमारे यहाँ अभी तक 2 साल से कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात देखें तो आप देख ही सकते हैं किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे कॉलेज में। कैंपस सिलेक्शन होना चाहिए, हमारे यहाँ कोई कैंपस सिलेक्शन नहीं हो रहा। हमारा तो इवन कंप्लीट होने वाला है, तो यहाँ के उन स्टूडेंट्स का क्या भविष्य है जो यहाँ पे 4 साल अपने पढ़ाई करने है। और यहाँ पे पढ़ाई का भी कोई मतलब शेड्यूल नहीं है। हमारी क्लासेस 10:30 बजे से ऑर्गेनाइज होती है, पर 10:30 बजे तक कैंपस का भी कोई मतलब कोई अकेडमी तक नहीं खुलती है। तो किस तरह की दिक्कत आ रही है हम लोगों को पढ़ाई में बहुत है कि हमारा स्टैंडर्ड जो होना चाहिए पढ़ाई का, हम लोग जो यहाँ पे बीएससी करने आ रहे हैं एजी, एक इतना बड़ा लेवल है, यहाँ पे उसका लेवल बिल्कुल नीचे जा चुका है। यहाँ पे बच्चों का अगर भविष्य में अगर वो कुछ सोचे कि हम इस कॉलेज में आए हमें कुछ इससे आगे मिलेगा, तो उनका कोई भविष्य नहीं। देखिए, पढ़ाई के लिए मैं ये कहूंगी कि यदि पढ़ाई अच्छी नहीं होती तो बच्चे कैसे पास होते। पहली चीज, अभी 30 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है एडीओ की पोस्ट पे, रिटन एग्जामिनेशन में पास हुए हैं, कल ही की मैसेज है। आप 30 बच्चों को बुला करके पूछ सकते हैं वो कैसे पास हुए हैं। मैडम, क्या बच्चों के घर फोन लगाए गए थे कि आपके बच्चे विद्यार्थी परिषद के आंदोलन में शामिल होते हैं तो के लिए आप घूमने गए हैं? उनको वो उनका कहना है कि हमारे घर फोन लगा के हमें प्रताड़ित किया जाता है। ये बिल्कुल सरासर झूठ है, भविष्य खराब करने की धमकी दी जाती है। ये कोई इस तरह की कोई वार्तालाप कभी नहीं हुई है मेरे द्वारा और न आज तक की, बल्कि अनुशासन समिति ने यहाँ तक की निर्णय लिया कि इनके घरों में पत्र भेजे जाएं, पत्र भेजे नहीं गए इनके भविष्य। मौके पर पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी पहुंचे। उन्होंने आंदोलनरत छात्र छात्राओं को खूब समझाने का प्रयास भी किया, मगर इन आंदोलनकारियों ने तालाबंदी वापस लेने से इनकार कर दिया। ये छात्रों के द्वारा ये जो है आंदोलन किया जा रहा है, जो भी बातें हैं उनसे जो है रिटर्न में जो है मांगी जा रही है, बाकी जो सारी चीजें हैं वो सब जांच का और शासन स्तर के विषय, उनको जो है शासन कराया जाए। सीहोर से EMS TV के लिए राहुल मालवीय की रिपोर्ट।